अब तक ईडी सिर्फ पूछताछ कर रही थी रिया चक्रवर्ती, रिया के फादर और रिया के ब्रदर शौविक चक्रवर्ती से, लेकिन अब ईडी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। क्या है ये फैसला, ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा। बता दूं आपको कि ईडी ने लगातार पूछताछ की है सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती से, और उसके साथ साथ रिया के फादर और रिया के ब्रदर शौविक चक्रवर्ती से। इनसे लगभग काफी घंटों तक पूछताछ हुई है। कल रिया से 10-10.5 घंटे तक पूछताछ की गई, और इसके बाद ईडी ने फैसला लिया है कि रिया, रिया के फादर और रिया के ब्रदर, इन तीनों ही लोगों के फोन्स और लैपटॉप्स जब्त कर लिए गए हैं। जी हाँ, सील कर दिया है रिया के फोन्स को, लैपटॉप्स को, शौविक के फोन को एंड मिस्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के फादर हैं, यानी कि इन तीनों ही लोगों के फोन्स को जब्त कर लिया है ईडी ने। सो दैट कि फोन्स में जो जो डिटेल्स हैं, क्या फोन से ट्रांजैक्शंस की गई है, क्या फोन्स में कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस हैं या कोई भी एक्स वाई जेड चीजें हैं जो आई थिंक सबसे पहले मुंबई पुलिस को करना चाहिए था। जो भी लोग सस्पेक्टेड हैं उनके फोन टैप होने चाहिए थे, उनके फोन डिटेल्स निकलने चाहिए थे जो कि बाद में निकल रहे हैं, वो काम अब ईडी ने कर दिया है केस शुरू होते ही। और रिया, जैसे मैंने कहा, रिया, रिया के फादर एंड रिया के ब्रदर, इन तीनों ही लोगों के फोन्स एंड लैपटॉप्स जब्त कर लिए गए हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि रिया अपने इनकम का, अपनी एक्सपेंसेस का ब्यौरा नहीं दे पाई ईडी को इन अ क्लियर कट वे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिटानी से आज पूछताछ चल रही है ईडी के ऑफिस में। देखना यह होगा कि और क्या क्या चीजें सामने आती हैं। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।